पूर्वांचल के दबंग ब्राह्मण हरिशंकर तिवारी का परिवार अब समाजवादी होने जा रहा है। खबर है कि हरिशंकर तिवारी, उनके दोनों बेटे और भांजे गणेश शंकर पांडे समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी बीएसपी से चिल्लूपार से विधायक हैं। हालांकि एक माह पहले विनय शंकर तिवारी के बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध के चलते इस परिवार की बीजेपी में एंट्री नहीं हो पाई। गोरखनाथ पीठ और हरिशंकर तिवारी के बीच बहुत पुरानी तनातनी है, दोनों में कभी नहीं बनी। तनातनी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि योगी के मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीने बाद ही हरिशंकर तिवारी के आवास यानी हाता में पुलिस की रेड पड़ गई थी। हालांकि इस मसले में कोई आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन ब्राह्मण इसे लेकर बेहद नाराज था। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं कि हरिशंकर तिवारी के परिवार की, जिसके अखिलेश यादव के साथ जाने से पूर्वांचल की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए आपको हरिशंकर तिवारी के बारे में सबसे पहले जानना और समझना होगा। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल का वह दबंग नाम है जिसे कभी बीसी ने माफिया का नाम दिया था। पूर्वांचल के ब्राह्मण और ठाकुर के बीच जो जंग चल रही थी, उसमें ब्राह्मणों की तरफ से हरिशंकर तिवारी ही अगुवाई करते थे। 80 के दशक में हरिशंकर तिवारी और ठाकुर नेता वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच कई बार गैंगवार हुई, जिसमें कई की जान भी गई। उस समय गोरखनाथ पीठ की तरफ से हरिशंकर तिवारी के खिलाफ वीरेंद्र प्रताप शाही को समर्थन किया जाता था। अपराध और दबंगई से हटकर हरिशंकर तिवारी 80 में राजनीति में कूदे और जेल से ही लड़कर वह चिल्लूपार के पहली बार विधायक बने। उसके बाद से लगातार तिवारी 6 बार विधायक बने। कई सरकारों में तिवारी मंत्री भी रहे। खुद मंत्री बने तो भांजे गणेश शंकर पांडे को स्थानीय निकाय में MLC बनवा दिया। बाद में वह विधान परिषद के चेयरमैन भी बने। वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या के बाद हरिशंकर तिवारी का दबदबा और बढ़ गया, खासकर ब्राह्मणों में। हरिशंकर तिवारी के सपा में जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। ब्राह्मण पहले से ही बीजेपी और योगी से नाराज चल रहा है, और तिवारी के सपा में जाने से ब्राह्मणों को एक नया ठिकाना मिल सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण तिवारी के इशारे पर सपा में जा रहा है, जिसमें बीजेपी को पूर्वांचल में भारी नुकसान हो सकता है। सपा तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को चिल्लूपार और भांजी गणेश शंकर पांडे को फरेंदा या फिर पनियरा से चुनाव मैदान में उतारता सभी पार्टियों का गणित बिगाड़ सकता है। पार्टी हरिशंकर तिवारी को भी प्रचार के लिए मैदान में उतारेगी, हालांकि वह अब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। आपको बता दें कि सदा धोती कुर्ता सदरी और सिर पर ऊनी टोपी पहनने वाली हरिशंकर तिवारी को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर रहे तिवारी पर कई संगीन आरोप दर्ज हैं। छात्र राजनीति के बाद रेलवे, सिविल और साइकिल स्टैंड की ठेकेदारी से सफर शुरू करने वाली हरिशंकर तिवारी का परिवार आज अकूत संपत्ति का मालिक है।